रादौन में पार्टी प्रत्याशी समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर द्वारा जेजेपी के अच्छे उम्मीदवारों को समर्थन देने के जवाब में कहा कि वो तंवर के इस फैसले का स्वागत करते हैं और वो उसके आभारी हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जहां करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दी, वहीं जेजेपी के टीचर्स व पूर्व फौजियों को टिकट देने से उनका सम्मान बढ़ाया है। हिसार के आदमपुर से भाजपा उम्मीदवार सोनाली फोगाट द्वारा एक जनसभा के लोगों को पाकिस्तानी कहे जाने के पूछे सवाल के जवाब में दुष्यंत ने कहा कि पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की गर्दन काट रहे थे, वहीं अब हार की बौखलाहट का असर भाजपा नेताओं पर भी साफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ही अब वे प्रदेश की जनता को पाकिस्तानी कहने तक लग गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों की अब जेजेपी की सरकार बनने पर मन बना लिया। उनका धन्यवाद करूंगा और ऐसे व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लठ खाए, संघर्ष किया, आज उनको हमारे कैंडिडेट्स में कुछ अच्छाई दिख रही है, उनका समर्थन वो कर रहे हैं, उसके लिए तय दिल से उनका हम आभारी भी है। और हरियाणा की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप खुद समझो, देखो, बीजेपी का तो एक उद्देश्य है कि करोड़पतियों को टिकट दे दे। हमने तो एक टीचर, दो टीचर्स को दी है, एक छात्र को दी है, दो रिटायर्ड फौजियों को दी है, और एक ही लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे वर्ग के हर व्यक्ति को हम नेतृत्व का मौका दें और 90 की 90 सीटों पर जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं मजबूती के साथ वो लड़ाई को लड़ने में काम करें। सर, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो कहते हैं एक तरफ तो वो गर्दन काटते हैं, दूसरे जो सोनाली फोगाट है उनकी प्रत्याशी वो पाकिस्तानी बताते हैं, क्या कहेंगे? खट्टर साहब तो दिन प्रतिदिन शायद आपा खोलते जा रहे हैं। पहले एक सेल्फी खींचते भाई को धक्का मार दिया, एक बुजुर्ग कोई काम लेके आए तो उसको कहा कि तेरे को उठा के बाहर फेंक दूंगा, फिर हर्षमोहन भारद्वाज जी की गर्दन पे फरसा रख के कह दिया तेरे गर्दन काट दूंगा, और उसका असर बीजेपी में दिखने को मिल गया। बीजेपी के उम्मीदवार अब कहने लगे आंखें निकाल लेंगे, मार देंगे, इस तरह की हरकत और लोगों को पाकिस्तानी बोलना, ये साफ साबित कर देता है कि हार जो है बीजेपी के दिखने लग चुके हैं। और अल्टरनेटिव उस परिवर्तन का जेजेपी, जनता मन बना चुकी है कि मजबूती से जेजेपी का साथ है।